हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। अभी मैं काट रही हूँ एलोवेरा, मेरे को बालों में लगाना है। और मैं एलोवेरा का जो ये बीच का गूदा सा है इसको निकाल लूँगी और मिक्सी में ग्राइंड कर लूँगी। उसके बाद मैं इसको बालों में लगाऊंगी। जब भी मुझे कहीं जाना होता है तो मैं अपने बालों को सॉफ्ट और स्मूथी बनाने के लिए एलोवेरा ज़रूर लगाती हूँ। इससे बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं। और आगे वीडियो में देखते रहिए मैं कैसे लगाती हूँ एलोवेरा। अभी आप मेरे बालों को देखिए कैसे हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा डैमेज से हो गए हैं क्योंकि खुशबू पूरे दिन मेरे बाल उखाड़ता रहता है। और आप भी इस तरीके से मसाज कीजिए बालों के, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। आपको मांग कर करके लगाना है। अभी मेरे पूरे बालों में एलोवेरा जेल लग गया है और मैं कम से कम एलोवेरा जेल को 2 घंटे के लिए लगा के छोड़ दूंगी। उसके बाद मैं जूड़ा बना लेती हूँ। उसके बाद देखिए मैं अपने बालों को वॉश करके दिखाती हूँ आपको कितनी शाइनिंग आती है। और कैसे देखते रहिए ब्लॉग को आगे। मैंने अपने बालों को हेयर वॉश कर लिया है। आप मेरे बालों को सूखने के बाद देखिए कितने स्मूथी और सिल्क हो गए हैं। एलोवेरा से बहुत ही अच्छे हो जाते हैं, आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें। और मैं अभी आपसे बैक से दिखाती हूँ कैसे लग रहे हैं मेरे हेयर। एलोवेरा आप भी लगा सकते हैं, वो अच्छा भी रहता है, मजबूत बनाता है बालों को। अभी देखिए आप मेरे बालों को कितनी चमक आ गई है। बालों पे बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और सिल्की हो गए हैं। एक बार ज़रूर ट्राई करें, बहुत अच्छा रहता है एलोवेरा। इसके बाद जा रही हूँ मैं रेडी देखते रहिए। हम जाएंगे अपनी फ्रेंड के यहाँ 6 बजे, उनका 7 बजे से प्रोग्राम है तो हमें 6 बजे घर से निकलना होगा, तभी हम 7 बजे तक पहुंच पाएंगे। और मैं अभी होंगी तैयार, तैयार होने में कम से कम मेरे को 1 घंटा लग जाएगा। और मिलती हूँ मैं आपको रेडी होकर। आप जब भी मेकअप करो तो मेकअप करने से पहले तो फेस को क्लीन कर लें। उसके बाद मैंने फ्रूट क्रीम लगाई है क्योंकि मेरी थोड़ी बहुत हल्की ड्राई स्किन है, इसलिए मैं तो भी मॉइस्चराइजर यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद मैंने लगाया लैक्मे सीसी। मैं हो गई हूँ रेडी और मैं बना रही हूँ चोटी। यहाँ से तो मैं सिंपल चोटी बना के जा रही हूँ। और हाँ, मेरी फ्रेंड का पार्लर है तो मैं उससे जूड़ा बनवाऊँगी वहाँ जाके, क्योंकि अपनी चोटी अपने आप से ठीक से नहीं बन पाती। वैसे मैं बहुत अच्छा बना लेती हूँ बट अपने आप से नहीं बन पाता, इसलिए मैं अपनी फ्रेंड से ही वहाँ जूड़ा बनवाऊँगी। थोड़ी देर में बस निकलने वाले हैं। खुशी को भी तैयार कर दिया है, ये भी तैयार है। और पता नहीं वहाँ कितने बजे प्रोग्राम होगा, वैसे तो कार्ड में 7 बजे का है। अगर आज का व्लॉग पसंद आए तो व्लॉग को लाइक एंड शेयर जरूर करना। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हम निकल गए घर से और टाइम हो रहा है 6:30, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है अगर हम लेट भी पहुँचेंगे तो, क्योंकि 7 बजे से ही उनका प्रोग्राम शुरू है। हम 7 बजे तक आराम, हम आ गए हैं पलवल के ईस्टर्न फेरीवेल पे। ये बहुत ही अच्छा बनाया है और अभी बनाया है कुछ टाइम पहले। हम पहुंच गए हैं टूल टैक्स। टूल टैक्स से पहुंचने में होटल कितना टाइम लगेगा? 10 से 15 मिनट लगते हैं लास्ट बस। हाँ बस, तो पहुंचने ही वाले हैं। 7 बजे तक हम आराम से पहुंच जाएंगे, है ना? हाँ, 7 बजे तक पहुंच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से ही ठीक है, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है ना। हम पहुंच गए हैं होटल और उसके बाद मैं जाऊंगी पार्लर। मैंने कॉल करके पूछी है फ्रेंड से कहाँ है, कह रही मैं घर आ गई हूँ, तू पार्लर पे चली जाना। मैं इसलिए खुद ही पार्लर पे चली जाऊंगी, कोई और आ जाएगा वो किसी और को भेज देगी। तो चलिए अभी जाती हूँ मैं पार्लर।
मैं आ गई हूँ जो पार्लर में। सबसे पहले यहाँ पर आ रही हूँ, मैं हेयर को सेट जूड़ा बनवा रही हूँ सिंपल। उसके बाद मैं साड़ी को सेट करा रही हूँ, क्योंकि सिल्क की साड़ी अपने आप से ठीक से सेट नहीं हो पाती, तो इसलिए मैं इनसे ही सेट करा रही हूँ साड़ी भी। मैंने जूड़ा इसलिए बनवाया क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो ओपन हेयर में रख नहीं सकती। वैसे भी मुझे हैबिट नहीं है ओपन हेयर रखने की, इसलिए जूड़ा ही बनवाया है। यहाँ हो गई मेरी साड़ी सेट अच्छे से। ये है अशोका गार्डन का एंट्रेंस और हम जा रहे हैं अंदर। आगे जाओ हम आ गए हैं अभी अशोका गार्डन। ये है एंट्री। खुशू हाय करो। हाय चलो लाइटिंग है तो इसकी वजह से अच्छा फोटो नहीं आ रहा। यहाँ कर लेते हैं गणेश जी के दर्शन। जय हो। हम जा रहे हैं अंदर और यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड है, देखो। खुशू जा रहा है अपने डैडी के साथ। खुशू कह रहा है मुझे डांस करना है, खाना नहीं खाना। ये उनका खुद का ही गार्डन है। ये है मेरी फ्रेंड और हम आपस में यहाँ बातें कर रहे हैं फोटो के लिए। जहाँ बाद आप दीदी को देखोगे तो मेरी बहुत कम बातें हो पाई। दीदी कोई और नहीं है मेरे साथ, आते हैं कोई ना कोई इनके पास नहीं होता। आपको जहाँ जहाँ दीदी बहुत ज़्यादा बिजी थी तो हमारी बहुत कम बातें हो पाई, इसलिए अभी हम जा रहे हैं खाना खाने। यहाँ खा रहे हैं मैं और खुशू खाना। खुशू कह रहा है मुझे डांस करना है, ये अब भी डांस कर रहा है और खाना नहीं खा रहा है, इसको डांस ही करना है पहले। यहाँ ले आई हूँ मैं खुशू को डीजे के पास। खुशू ने खाना भी नहीं खाया थोड़ा बहुत, उसको बस डांस ही करना है और मैं करा। खुशू करेगा डांस। खुशू कर रहे हैं डांस और कीर्ति दीदी मेरे से बोल रही थी कि आप भी रुक जाओ डांस करेंगे, बट वो इतनी बिजी थी कि उनसे नहीं तो मेरी ठीक से बात हो पाई। यहाँ फिर दोबारा से दीदी बिजी, मतलब जिनके घर में फंक्शन रहता है वो बिजी ज़्यादा रहते हैं, इसलिए हम तो निकल गए थे घर के लिए। अभी जा रही हूँ मैं बाहर और खुशू जिद कर रहा था मुझे बोतल में ही कोल्ड ड्रिंक पीनी है, इसलिए मैं उसके लिए थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक लेके आई हूँ। वो बोतल से ही पीता है, गिलास से उसने मना कर दी। एक बार उसके हाथ से फैल गई थी। एक मेरा कॉलेज फ्रेंड है, उसके बाद और अभी आया है एक मेरा फ्रेंड, कॉलेज फ्रेंड, मैं उससे आपको मिलवाती हूँ। आइए करो। मायसेल्फ मनोज कुमार फ्रॉम मॉडल, जैसे कि मिथिलेश मेरी क्लासमेट रही है जेवीटी कॉलेज अग्रवाल से, हमने की थी तो बहुत दिन में आई है, आज इनसे मुलाकात हुई है और बात करें तो आज अशोक गार्डन होटल में एक कार्यक्रम उनमें इनसे मेरी मुलाकात हुई है। तो और मनोज को लग रहा था कि मुझे ब्लॉग में आना है तेरे साथ, इसलिए मैं ब्लॉग में ले रही हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो मनोज सब्सक्राइब करें। हाँ देखो मैं इनका चैनल देखता रहता हूँ, तो उम्मीद है आप सभी इनके चैनल को सब्सक्राइब करोगे और लाइक कमेंट आप करते रहना आपको, और जो कि मतलब ये नई नई चीज़ें आपको सिखाती हैं, रेसिपी बनाना और जैसे कि ब्यूटी और बहुत सी चीज़ें आपको बताती रहती है टाइम टू टाइम, तो जिससे आपको नई नई जानकारी आपको इससे मिल जाए। मैं भी देखता रहता हूँ इनके चैनल को, तो उम्मीद है आप भी ऐसा करेंगे।
अभी जा रहे हैं हम, 30 मिनट लगेंगे घर पहुंचने में। खुशु आपने क्या क्या खाया था? खुशु ने खाया था केक, खुशु ने खाई थी पेस्टी। खुशु आपको कैसी लगी थी? पसंद है आपको? बहुत ज्यादा गर्मी थी, गर्मी की वजह से दादी कुछ खाया भी नहीं। दादी आपको नाइट में ड्राइविंग करने से प्रॉब्लम नहीं होती? नहीं यार, मेरे को क्यों होगी, वैसे पूरी रात चला। यार ये लाइट इतनी लगती है आई में? नहीं कुछ नहीं होता, पता नहीं देखने में ही इतनी लाइट लग रही है। आपको नाइट में ड्राइविंग करने से लाइटिंग की प्रॉब्लम नहीं होती? आई में कितनी लाइटिंग लगती है? नहीं मेरे को क्या होगी यार, तेरे को पता तो है, मैं पता है मेरे को देखने में ही इतनी लाइटिंग लग रही है मेरी आईज में बहुत ज्यादा। नहीं मेरे पे देखा नहीं जा रहा, पता तो है मैं कितनी लंबी लंबी ड्राइविंग करता हूं। आ गए हैं टोल टैक्स और यहाँ पे बहुत ज्यादा जाम हो रहा है, देखिए पता नहीं कब खुलेगा, कितना टाइम लग जाएगा इसको जाम को? 15 मिनट कम से कम 15 मिनट लगेंगे, हम घर जाने के लिए बहुत ज्यादा लेट हो जाएंगे। देखते हैं कितनी देर में खुलेगा जाम। इसलिए हम वहां से बहुत जल्दी जल्दी कर रहे थे आने के लिए, बट फिर भी कहीं जाते हैं तो थोड़ी बहुत लेट हो ही जाते हैं। मेरी फ्रेंड थी वो मिली नहीं थी, उनमें कहा बहुत सारी भीड़ इतनी थी कि उनको मैं कहाँ कहाँ से ढूंढ के लाई थी, फोन उनके पास था नहीं। और यहाँ खुशी और डैडी कर रहे हैं आपस में बातें, ये देखो जा रही है। आगे जा रही है गाड़ी और खुशी कह रहा पुलिस की गाड़ी जा रही है। यार आजकल के छोटे छोटे बच्चे जानते हैं, वो नेशनल हाईवे की गाड़ी है और खुशी कह रहा पुलिस की। खुशी क्या जा रही है? पुलिस। यार आजकल के बच्चे छोटी छोटी बात जानते हैं। बेटा वो पुलिस की नहीं है, उसमें लाइटिंग हो रही है। नेशनल हाईवे की है बेटा खुशू, नेशनल हाईवे की है नेशनल। और सुनो खुशू ने कहा था कि अथॉरिटी इरिगेशन। हाँ वेरी गुड, इसमें पुलिस नहीं है बेटा। पुलिस पुलिस नहीं है। हाँ पुलिस नहीं है। अभी हम निकल गए हैं ट्रैफिक में से, ज्यादा टाइम नहीं लगा, ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट लगी थी। तो फ्रेंड्स हम आ चुके हैं घर पर अब, और हमने बनाई अपनी एनिवर्सरी भाग। आज मैंने बहुत बड़ी पार्टी दी थी आज मैंने अशोका होटल में। तुमने दी? मैंने दी थी, वो था मेरे फ्रेंड का बेटी का कुआ पूजन, हम उसमें भी गए थे। और हम शाम को अभी आए हैं, कितना टाइम हो रहा है? तकरीबन 10:30 बज रहे हैं। और हमने केक भी फुल एंजॉय किया था, बस हमने वही एंजॉय किया है, जो भी किया है कुछ नहीं। उनके उसमें भी जाना जरूरी था क्योंकि जो मेरी फ्रेंड है उन पे 9 साल में बेबी हुआ है, बेबी बॉय, तो वहाँ भी जाना बहुत ज़रूरी था। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत ज़्यादा थक गए हैं क्योंकि मैं पहन के गई थी साड़ी, इसलिए तेज बोल देना। साड़ी पहन गई, ये साड़ी पहनती नहीं है, वन पीस में रहती है ना। आज के लिए बस इतना ही, अगर आज का ब्लॉग पसंद आया तो ब्लॉग को लाइक एंड शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना।